सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल रॉक अली गेमर। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छी हो गई और अच्छी रहना। तो आ गया तुम्हारा भाई फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आपको पता है फ्री फायर का सबसे पहला बंडल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे फैक्ट की बात करने वाले हैं जो कि गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। तो चलते भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले यार, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाले अगले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप पे थोड़ा सा भी, मतलब 2-3 सेकंड का भी टाइम हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। आपके हर एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस, जब हम बात करते हैं नंबर 5 फैक्ट के बारे में, फ्री फायर का पहला डायमंड रॉयल बंडल कौन सा है? तो गाइस, बहुत सारे बंदे को ये वाला फैक्ट पता ही होगा, बट पता नहीं हो तो गाइस मैं ये वाला फैक्ट आप लोगों को बता देता हूँ। फ्री फायर का सबसे पहला डायमंड रॉयल बंडल जो है गाइस, वो है डायनो बंडल। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने लोगों को ये वाला फैक्ट पता था। अगर पता था तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर फैक्ट की तरफ। तो चार नंबर फैक्ट है गाइस, फ्री फायर का सबसे पहला वीपन रॉयल कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, फ्री फायर का सबसे पहला वीपन रॉयल कौन था आप लोगों को मैं आज बता देता हूँ। गाइस फ्री फायर का सबसे पहला वीपन रॉयल था यार ड्रैगन AK, जो कि गाइस बहुत ही अभी भी खास माना जाता है। आप लोग ज़रूर बताना कितने लोगों को ये वाला फैक्ट पता था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा, बट यार जिसको पता नहीं है यार आप आज जान लो फ्री फायर का सबसे पहला वीपन रॉयल जो था गाइस वो है ड्रैगन AK का। अब हम बढ़ते हैं गाइस 3 नंबर फैक्ट की तरफ। तो यार फ्री फायर का सबसे पहला इनक्यूबेटर बंडल कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, फ्री फायर का सबसे पहला इनक्यूबेटर बंडल, यार बहुत सारे बंदे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि फ्री फायर का सबसे पहला इनक्यूबेटर बंडल जो है गाइस वो है क्रिमिनल बंडल, जो कि गाइस बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही गलत है गाइस। फ्री फायर का सबसे पहला इनक्यूबेटर बंडल क्रिमिनल बंडल नहीं था यार। ये देख सकते हो गाइस, जो कि यार स्क्रीन पे आप लोगों को दिखता ही होगा, फ्री फायर का सबसे पहला इनक्यूबेटर बंडल था जो गाइस ये है डाइनो का बंडल। यार बहुत ही गिने चुने लोगों पे ये वाला बंडल मिलेगा, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मतलब फ्री फायर में क्रिमिनल बंडल बहुत सारे बंदों पे है, बट यार ये डाइनो का बंडल यार बहुत ही कम लोगों पे मिलेगा, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा रेयर माना जाता है। गाइस ये वाला फैक्ट कितने लोगों को पता था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 फैक्ट की तरफ। फ्री फायर का सबसे पहला लॉगिन रिवार्ड बंडल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, फ्री फायर का सबसे पहला लॉगिन रिवार्ड बंडल जो है गाइज वो है ब्लैक टी शर्ट। यार ये जो बंडल मिला था यार, ये वाला जो कॉस्ट्यूम मिला था, ये 30 दिन लॉगिन करने पे यार सबसे पहला लॉगिन रिवार्ड मिला था हम लोगों को फ्री फायर में, जो कि यार अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रेयर माना जाता है। आप लोग इसका रेयरलिटी, मतलब आप लोग जानते ही होंगे कितना ज़्यादा रेयर है ये। चलो गाइज, अब बढ़ते हैं नंबर 1 फैक्ट के बारे में, फ्री फायर का सबसे पहला बंडल कौन सा था? बहुत सारे बंदे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि सबसे पहला बंडल जो फ्री फायर का था वो है सीजन 1 बंडल। बिल्कुल ही गलत गाइज, फ्री फायर का सबसे पहला बंडल जो है ये वाला बंडल है गाइज, आप लोग जाकर देख सकते हो। मतलब बहुत पुराने पुराने यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, उनका लाइव स्ट्रीम या वीडियो में यही बंडल पहनाकर खेला करते थे, यही सबसे पुराना बंडल है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक। मिलते कल के वीडियो के साथ, जब तक ले थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।